आपदा ही आविष्कार की जननी है, ये साबित किया है राजस्थान के झुंझुनू जिले के चिड़ावा गांव ने। इस गांव में परंपरागत खेती ही यहां के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। कोई नहर या बारहमासी नदी ना होने के कारण चिड़ावा में सिंचाई और पेयजल का एक ही स्रोत है और वो है भूजल। लेकिन हर साल चिड़ावा का भूजल 1 से 1.5 मीटर गिर रहा था। वैज्ञानिकों का मानना है कि चिड़ावा में भूजल इसी स्तर से अगर गिरता रहा तो वर्ष 2045 तक चिड़ावा में भूजल की उपलब्धता 0 हो जाएगी, यानी न सिंचाई के लिए पानी बचेगा न पीने के लिए। भूजल स्तर के गिरने की वजह से ही चिड़ावा गांव में जो शेष बचा भूजल है उसमें फ्लोराइड और टीडीएस की मात्रा बहुत अधिक है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों के घुटनों में दर्द की समस्या, टेढ़े मेढ़े दांत, समय से पहले बूढ़ेपन के लक्षण दिखने लगे हैं। वर्ष 2005 में भूजल विभाग ने चिड़ावा को डार्क जोन घोषित कर दिया था। इस संकट के बारे में चिड़ावा गांव वासियों को रामकृष्ण जयदयाल डालमिया सेवा संस्थान द्वारा जानकारी दी गई। संस्था ने चिड़ावा गांव की भूजल स्थिति सुधारने और स्वस्थ पेयजल प्रदान करने का जिम्मा लिया। शुरुआत के समय में जब हम लोगों ने इस कार्य को प्रारंभ किया और हम गांव में जाके ग्रामीणों के साथ जब चर्चा करते थे और उनको हम ये बताते थे कि भैया आप भूजल स्तर बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, कम होता जा रहा है और बहुत जल्दी ये पानी हमारा खत्म हो जाएगा, लेकिन गाँव वालों की एक धारणा ये रहती थी कि जी पानी कभी खत्म नहीं होता है, पानी तो जी जमीन के नीचे है ना, नदियाँ बहती है, पानी बहुत है, 100 फीट पे नहीं मिलेगा तो 150 खोद लेंगे, 150 नहीं मिलेगा 200 खोद लेंगे। बोले पानी की उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। आरंभ में इस तरीके की बातें उनके द्वारा की जाती थी, लेकिन हम जब उनको ये समझाने का प्रयास करते थे कि नहीं जी पानी खत्म हो रहा है, तो हमारे पास भी शुरुआती दिनों में हमारे पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, लेकिन जब हमने इन तीनों चीज़ों की मिलीजुली स्टडी की, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जो पानी को हम रिचार्ज कर रहे थे वो रिचार्ज किस तरीके से हो रहा है उसकी रीडिंग्स, जियोफिजिकल सर्वे की रीडिंग्स, रेनफॉल कितना हो रहा है वो, और इन तीनों के मिले जुले के इम्पैक्ट के बाद जब हम निकाल के लाए चीज़ों को और हमने वैज्ञानिक आधार पर खुद भी कॉन्फिडेंट हुए और ग्रामवासियों को भी हम एक कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ समझा पाए और उसके बाद ही उनके बात समझ में आई। संस्था ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग द्वारा चिड़ावा ब्लॉक के 89 गाँव से पानी के सैंपल लिए। सैंपल की लैब टेस्टिंग से पता चला कि 89 में से लगभग 30 गांव का पानी पीने योग्य नहीं है। इस सर्वे में जो जानकारी सामने आई उसे जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से संस्था ने समाज तक पहुंचाया। तो अति दोहन को नतीजो है, आपा परवाह कौन करी, बटन दबाता है जमीन में से पानी निकालिए वो नतीजो। भूजल के दोहन को रोकने एवं भूजल के अलावा जल के अन्य स्रोतों को अपनाने की वैज्ञानिक तकनीकों पर विचार किया गया। इस समस्या पर चिंतन करते हुए 3 वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाया गया है। घरों में वर्षा जल संरक्षण, कुओं एवं तालाबों का पुनर्भरण, कृषि प्रणाली में बदलाव। चिड़ावा में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक यानी कि वर्षा जल संरक्षण कुंड का निर्माण किया गया। घरों में वर्षा जल संचयन के लिए चिड़ावा गांव के हर घर में बारिश के पानी को छत से टैंक में इकट्ठा किया जाता है, जिसे यहां के लोग टाका या कुंड कहते हैं। इन कुंड का निर्माण गांव के हर घर में किया गया। बारिश से आने वाला पानी छत की नालियों से पाइप में और पाइप से टैंक में जमा होता रहता है। मटके में जब एक दिन पानी पड़ा रहता है तो उसके चारों तरफ नमक की फफूंद आ जाती है, इसलिए वो पानी एकदम मतलब मटके को भी खा जाता है, इसलिए पार्लर पानी है ना वो ज़्यादा काम में लेती है हमें, और बच्चे भी वही पानी ज़्यादा पसंद करते हैं पीना, वो कुएं वाला पानी तो कोई नहीं पीता हमारी और कोई काम में नहीं लेता है। 20,000 लीटर के इस कुंड में एकत्रित पानी से करीब 8 से 10 लोगों का परिवार पीने एवं खाना बनाने हेतु इस जल का उपयोग कर सकता है और पूरे साल यानी 365 दिन पानी उपलब्ध होता है। वर्षा जल में किसी भी तरह का कंकड़, पत्ते, कीड़े टैंक में जमा ना हो, इसके लिए एक फिल्टर का प्रयोग किया जाता है।
ये एक फिल्टर सिस्टम डेवलप किया गया है ताकि आप लोगों को शुद्ध पेयजल, स्वच्छ जल मिले, टंकी में साफ सुथरा पानी रहेगा। ये इसका फिल्टर का काम कर रहा है। फिल्टर के अंदर एक जाली है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, वही इस पानी में सारे जो धूल हैं और अन्य जो गंदगी है उसको इस जाली के माध्यम से रुकावट आ जाएगी, इसमें रुक जाएगा सारा, जितनी भी गंदगी है वो इस जाली में रुक जाएगी। बारिश के बाद में आपको इस जाली को बाल्टी में पानी लेकर साफ़ करना है, साफ़ करके दोबारा अपने इस फिल्टर में लगा देनी है। इसलिए अपने घर में जो भी पानी है जो टंकी में रहेगा, वर्षा जल है, वो साफ और सुथरा रहेगा। चिड़ावा गांव में रहने वाले रिटायर कैप्टन मोहन सिंह बताते हैं कि फ्लोराइड युक्त पानी की वजह से उनके दांत उम्र से पहले ही गिर गए और उनके घुटनों में भी दर्द रहता था, लेकिन जब से उन्होंने अपने घर में वर्षा जल संरक्षण टैंक बनवाया है तब से उनके परिवार के सदस्यों के साथ साथ वे अपने पशुओं को भी टैंक का पानी ही पिलाते हैं। मेरे घर में भैंस थी, उसके पैरों में दर्द होने लगा, मैंने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर बढ़िया डॉक्टर था, उसने बताया कि साहब कुएं के पानी के बजाय आप टंके का पानी 7 दिन भैंस को पिलाओ। मैंने 4 दिन भैंस को वो पानी पिलाया, भैंस के पैरों का दर्द गायब हो गया। कैप्टन मोहन सिंह के घर की छत पर वर्षा मापी यंत्र भी लगाया गया है जिसके द्वारा वे पिछले 10 सालों में चिड़ावा में हो रही वर्षा का माप ले रहे हैं। इस यंत्र के माध्यम से किसान को ये अंदाजा हो जाता है कि उसे किस प्रकार की खेती करनी चाहिए। प्री मानसून बारिश होती है वो अगर 25 और 30 mm हो जाती है तो उस वर्ष के अंदर हम बाजरा, मूंग, गुआर बुआई कर देते हैं। और गांव वाले मुझसे पूछते हैं कि कितनी बारिश हुई है, उसी के अनुसार लोग बुआई करते। भूजल गिरने की वजह से गांव के कुओं एवं तालाबों का पानी भी खत्म हो रहा था। गांव के कुएं और तालाब एकदम सूखे पड़ गए थे। इस स्थिति में गांव के सूखे पड़े कुओं और तालाबों का पुनर्भरण किया जा रहा है। इन तालाबों में अब वर्षा का जल फिर से भरने लगा है। इसके साथ ही नए कुओं का भी निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा इस गांव में फीजोमीटर भी लगाए गए हैं जिसके जरिए पानी की रीडिंग ली जाती है, जिससे भूजल का स्टेटस नियमित रूप से चेक किया जाता है। फीजोमीटर से मिली जानकारी संस्था द्वारा गांव वासियों को दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गांव वासी भूजल का दोहन कम करने लगे हैं। 328 फीट की जमीन के नीचे वो चट्टान है, इससे पहले पानी था वो पानी तो खत्म हो गया, अब नीचे तो पानी है नहीं। इस नक्शे के हिसाब से देखते हैं और वहाँ पे गांव के बाहर एक पीजियोमीटर लगाया हुआ है, उस मीटर से हम नापते हैं, नाप के हमारे को बताते हैं, उसके बाद से हमारे को पानी के बारे में पता चला या पानी फ्लोराइड है या फिर इसमें भूस्तर गिरा हुआ है, उसके बाद में ही पता लगा। चिड़ावा में वर्षा जल परंपरागत खेती के लिए पर्याप्त नहीं है। यहाँ का हर किसान गेहूं और सरसों जैसी अधिक पानी वाली खेती नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ के किसानों को परंपरागत खेती को छोड़कर हॉर्टिकल्चर फार्मिंग को अपनाने की सलाह दी गई है। इस खेती की प्रणाली में पानी की खपत कम होती है। 8-9 साल से मैं पारंपरिक खेती करता था पहले, 8-9 साल पहले, तो उसमें लागत ज़्यादा लगती थी खेती के अंदर और मुनाफा कम होता था, पानी भी ज़्यादा लगता था, पानी की भी बचत नहीं होती थी। गिरते हुए भूजल के स्तर को देखते हुए और हमने बगीचे लगाने का निर्णय लिया और मैंने नींबू, किन्नू, मौसमी, अमरूद, बेर के पेड़ लगाए और लगभग 13 बीघा में मेरे पेड़ हैं, 1400 पेड़ लगाए मैंने। 1400 पेड़ लगा के उसमें ड्रिप सिस्टम लगाया, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, और उससे मैं खेती कर रहा हूँ, फिलहाल बागवानी कर रहा हूँ। बागवानी के अंदर मैंने हर साल का जो एवरेज है वो मेरा 5 से 6 लाख रुपए का आता है और पहले जो पारंपरिक खेती करता था उसके अंदर मेरा 1-1.25 लाख रुपए में रह जाता था और खर्चा ज़्यादा लगता था, तो उससे बचत नहीं होती थी। अब मैं और किसानों को भी यही बता रहा हूँ कि भाई सभी किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा बगीचे लगाएं। ऐसी ही कहानी है किसान महेंद्र शर्मा की, जो गेहूं और सरसों की खेती करते थे। कम वर्षा होने के कारण उन्हें हर साल खेती में नुकसान होता था, लागत अधिक होती थी और बचत कुछ भी नहीं।
लेकिन जब इन्हें हॉर्टिकल्चर फार्मिंग के बारे में जानकारी मिली तो इन्होंने भी कम पानी से होने वाली खेती को अपनाया। हमारे यहाँ मीटिंग ली थी, उसने बोला क्या फसल बो रहे हो, हम बोले गेहूँ और सरसों। बोलो गेहूँ सरसों बंद करो, आप कम पानी की फसल बाओ और बगीचा लगाओ। बगीचा लगाया, फसल वो होती गेहूँ सरसों 1,00,000 रुपए की पूरे खेत में, ये होती है 5,00,000 रुपए की। और कम पानी की फसल बो, पहले कपास बोते थे, बोलो कपास मत बो, पानी ज़्यादा लगता है इसमें। जब कपास बंद कर दिया, 3 साल इसमें चना बोए, ये कुछ ही फसल नहीं बोते हैं, खाली 5,00,000 रुपए की फसल ये मौसमी और किन्नू की होती है। विज्ञान के इन्हीं प्रयासों और वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर आज चिड़ावा के गांववासी अपने परिवार को स्वस्थ पेयजल पिलाने में समर्थ हैं, और वहीं चिड़ावा के भूजल के गिरते स्तर को रोकने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। चिड़ावा में भूजल बढ़ता हुआ तो अभी नजर नहीं आया, लेकिन पानी के दोहन को रोकने पर और कुएं के पुनर्भरण की वजह से भूजल में गिरावट की दर में कमी देखने को मिली है।